यूपी के बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आरबीआई ने डीएचएफएल बोर्ड को भंग कर दिया है। डीएचएफएल बैंक दिवालिया घोषित, बिजली कर्मियों का 26 अरब डीएचएफएल में जमा। आरबीआई ने डीएचएफएल बोर्ड को भंग किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रशासनिक मुद्दों और डिफॉल्ट करने के चलते बुधवार को संकटग्रस्त डीएचएफएल के निदेशक बोर्ड को भंग कर दिया। रिजर्व बैंक ने डीएचएफएल के लिए एक प्रशासक भी नियुक्त किया है। तो आपको बता दें, पिछले हफ्ते ही सरकार ने आरबीआई को इंपावर्ड किया था एनबीएफसी पर लगाम कसने के लिए, जिनकी भी वर्थ 500 करोड़ रुपयों से ऊपर की है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर कहा जा सकता है। और रिजर्व बैंक ने, आपको बता दें, बोर्ड ऑफ डीएफएचएल जो गवर्नेंस कंसर्न थे उनको लेकर आरबीआई ने दरअसल यह बड़ी कार्रवाई की है।